सस्ती और अच्छी चीजें कौन नहीं लेना चाहता, पर जरूरी नहीं है कि जो चीज सस्ती आ रही है वो अच्छी ही हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सस्ती चीज महंगी चीजों से ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूं अमेजोन पे मिलने वाले सबसे सस्ते मिनी पीसी जो एएमडी प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं उनके बारे में। अब इसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या ये AMD प्रोसेसर वाले मेरे पीसी हमें लेने चाहिए, हमारी जो भी जरूरतें हैं क्या वो ये पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो मैं ये वीडियो लेकर के आपके लिए आ गया हूं। इस वीडियो में हम लोग उन मिनी पीसीज के बारे में बात करेंगे जो AMD प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं और आपको 4 से 6 हजार के बीच मिल जा रहे हैं। तो क्या आपके लिए ये बढ़िया है या फिर आपको इनको स्किप करके महंगे वाले लेने चाहिए, सब कुछ वीडियो में पता चलेगा। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा वरना आप अपने पैसे डुबो दोगे। तो मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। बात करते हैं सबसे पहले उस मिनी पीसी की जो सबसे सस्ता आपको मिलने वाला है। ये वाला जो डेल का वाइज मिनी पीसी है ये आपको केवल मिल जाएगा 4,998 रुपए, यानी कि मोटी मोटी बात करूं कि 5,000 रुपए के अंदर। सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने आपको पावर बटन मिल जाएगा, 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे पुराने वाले और 1 ऑडियो जैक आपको मिलने वाला है। बैक में आपको 2 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी बात है, इसे आप 2 मॉनिटर इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डिस्प्ले टू HDMI कन्वर्टर लगाकर इसको HDMI के साथ भी यूज कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे 2 पुराने वाले USB पोर्ट मिल जाएंगे और 2 3.0 के USB पोर्ट भी मिलने वाले हैं। साथ में आपको LAN लगाने के लिए LAN का एक पोर्ट दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की जो मेन चीज है, तो इसमें आपको मिल रहा है AMD का GX424CC ये प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर आता है 4 कोर और 4 थ्रेड के साथ जो कि 2.4 GHz का है, जो काफी अच्छी बात है। तो 4 कोर का प्रोसेसर काफी सारे प्रोग्राम्स को रन कर लेगा। इसके अलावा इसमें जो ग्राफिक्स मिल रहा है वो आपको मिल रहा है AMD का Radeon R5E ग्राफिक्स। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके बारे में Amazon पे मेंशन की गई है। अब क्या चीज मेंशन नहीं की गई है वो मैं अब आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ये एक लैपटॉप प्रोसेसर है, एक फिक्स प्रोसेसर है जो कि डेली यूज के काम कर लेगा। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आप इससे बिल्कुल ना करें। और अगर आप यहां ध्यान से देखो तो इसमें मिल रही है विंडोज 10 प्रो, तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी ठीक है विंडोज 10 प्रो मिल रही है बाद में इसको अपडेट कर लेंगे, तो जी नहीं, ऑफिशियली ये ग्राफिक्स जो इसके साथ मिल रहे हैं ये विंडोज 11 को सपोर्ट ही नहीं करते। R5 ग्राफिक्स जो Radeon का है AMD वो विंडोज 11 को सपोर्ट ऑफिशियली नहीं करता। अब जुगाड़ वगाड़ लगा के कर सकते हैं पर ऐसा करने से आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेकार हो जाएगा। तो विंडो 10 प्रो भी बुरी नहीं है, आप इसके साथ जो विंडो 10 मिल रही है उसका यूज बड़े अच्छे से कर सकते हैं, पर दिमाग से ये चीज निकाल दीजिएगा कि आप विंडो 11 में इसको अपडेट कर पाएंगे। इसमें आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, इनबिल्ट वाईफाई नहीं मिलेगा, आप कोई भी डोंगल लगा करके वाईफाई यूज कर सकते हैं। हो सकता है इसके साथ भी आपको वो एक छोटा सा डोंगल जो 150-200 रुपए का आता है वो भेज दे। और एक बड़ी बात, ये एक फैनलेस मिनी पीसी है, यानी कि इसमें आपको CPU फैन नहीं मिलेगा। कूलिंग के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी यूज की गई है लेकिन फैन नहीं मिलेगा, काम बढ़िया करेगा लेकिन आप ये अच्छे समझ सकते हैं कि जो CPU फैन के साथ आते हैं वो ज्यादा देर तक और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा तभी इसको आप ऑर्डर कीजिएगा। बाकी आप इसमें फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, चलेगा, बढ़िया चलेगा, कोई डाउट नहीं है। गेमिंग के बारे में सोचिएगा भी मत, GTA 5 वगैरह के बारे में तो सोचिएगा ही मत, चल जाना और खेलना। सॉफ्टवेयर यूज करना और सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, तो ये जी नहीं गेम के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ आपके ऑफिस चल जाएंगे, वर्ड एक्सेल चल जाएगा, ब्राउजिंग अच्छी कर पाएंगे आप, पर हाँ जिनके दिमाग में आ रहा है कि 4-5 हजार के इस पीसी में आप वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो हाँ डेली यूज के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए आप इसको मंगा लीजिए, बढ़िया पीसी है लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट मिनी पीसी है वो है HP की तरफ से आने वाला HP T630। पहले आपको पावर बटन मिल जाएगा, इसके बाद 2 आपको USB 2.0 के और 2 USB 3.0 के पोर्ट सामने देखने को मिलते हैं और नीचे आपको 1 ऑडियो जैक के लिए पोर्ट मिल जाता है। बैक की अगर बात करें तो बहुत सारे आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, पहले आपको RJ45 मिल जाएगा नेटवर्क के लिए, फिर 2 आपको PS2 पोर्ट मिल जाएंगे कीबोर्ड और माउस पुराने वाले लगाने के लिए, इसके साथ आपको 1 VGA का एनालॉग पोर्ट भी देखने को मिल रहा है और साथ में आपको 2 USB 2.0 के पोर्ट भी मिल रहा है। साथ में जो बढ़िया चीज है वो ये कि 2 आपको डिस्प्ले पोर्ट भी मिल रहे हैं, यानी कि आप इस वाले मिनी पीसी में 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं साथ में एक साथ। अब आते हैं मेन चीज पे, इसके प्रोसेसर पे, तो इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो भी उसी टाइप का प्रोसेसर है AMD GX 420 GI, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर
है और ये आपको 2 GHz की स्पीड के साथ मिल जाएगा जो अप्रोक्स 2.2 GHz तक मैक्सिमम जाती है। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है R7 ग्राफिक्स और ये भी R5 की तरह ही है और ये भी विंडो 11 ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए आपको इसमें भी विंडो 10 मिलने वाली है। और सबसे खास बात, दिस इज ऑल्सो अ फैनलेस मिनी पीसी, इसमें भी आपको कूलिंग के लिए फैन अवेलेबल नहीं मिलने वाला। दूसरे प्रोसेस से ये ठंडा करता है सीपीयू को, पर इसमें आपको फैन देखने को नहीं मिल रहा। तो ये उनके लिए है जो घर में आप पीसी यूज करना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं, अपने बच्चों को ले सकते हैं, आप कैफे में लगा सकते हैं ब्राउजिंग वगैरह के लिए, आप इंस्टीट्यूशन में लगा सकते हैं सिखाने के लिए, पर बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले सॉफ्टवेयर इसमें नहीं चलने वाले। और अब बात करते हैं अपने तीसरे थिन क्लाइंट की। जी हाँ, ये थिन क्लाइंट ही है जो आप मिनी पीसी की तरह समझ रहे हो, मिनी पीसी भी कह सकते हैं, थिन क्लाइंट भी कह सकते हैं, पर एक्चुअल मिनी पीसी ये नहीं है और ये तीनों ही फैनलेस है, मतलब इसमें भी आपको कूलिंग के लिए पंखा अंदर देखने को नहीं मिलने वाला, तो थिन क्लाइंट कहना ज्यादा बेटर होगा। तो ये है HP का T640, पिछले वाले का अपग्रेड वर्जन। ये उससे पिछले वाले से T630 से काफी पोर्टेबल है और थोड़ा सा एडवांस भी है। या फ्रंट में आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाएगी जो SD कार्ड स्लॉट की तरह लगता है, पर वो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, पावर बटन है। साथ में आपको एक USB 3.1 जनरेशन 1 वाला देखने को मिलेगा, दूसरा USB 3.1 जनरेशन 2 वाला देखने को मिलेगा और तीसरा आपको USB 3.1 टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा जिसे आप एज ए डिस्प्ले पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, और एक आपको ऑडियो जैक है जिसमें माइक भी आपको इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है। बैक की अगर बात करें तो बैक में आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे 2.0 वाले और 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे 3.1 वाले, यानी कि आपको टोटल 4 पोर्ट USB 3.1 वाले मिलेंगे और अगर आप टाइप सी वाला भी इंक्लूड कर लें तो 5 हो जाएंगे। साथ में आपको एक लैन के लिए पोर्ट देखने को मिलने वाला है और इसके अलावा बैक में आपको एक VGA पोर्ट देखने को मिलने वाला है और 3 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि आप इसमें कम से कम 3 मॉनिटर तो कनेक्ट कर सकते हैं वो भी एक साथ। तो ये वाला मिनी पीसी आपको 7000 की रेंज में मिलने वाला है, अप्रॉक्स 7000 का, और इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो राइजन फैमिली का प्रोसेसर है, AMD राइजन R1505G। ये प्रोसेसर 2 कोर और 4 थ्रेड्स के साथ आपको मिलने वाला है और इसमें जो ग्राफिक्स यूज किया गया है वो वेगा ग्राफिक्स का यूज किया गया है, AMD रेडियन वेगा GFX। इस ग्राफिक के साथ आप इसमें 4K डिस्प्ले का यानी कि 4K पिक्चर का मजा ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप इससे भी मत करिएगा। सॉफ्टवेयर नॉर्मल फोटोशॉप वगैरह आप इसमें भी रन कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो आप लोग पूछ रहे थे कि जो AMD वाले सस्ते मिनी पीसेस मिल रहे हैं क्या हमें लेने चाहिए या नहीं, तो मैं एक बात स्ट्रॉन्गली आपसे बता दूं, ये मिनी पीसी कम थिन क्लाइंट है जो कि पूरी तरह से मिनी पीसी नहीं है, जिनमें फैन वैन सब लगा रहता है ताकि आप उसे काफी देर तक यूज कर पाए, जो पिछले वाले मॉडल्स मैंने आपको बताए थे डेल के 3060 वगैरह। लेकिन ये वाले जो मिनी पीसी है ये फैनलेस है, थिन क्लाइंट की तरह वर्क करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, जैसे कि आप बहुत हैवी सॉफ्टवेयर यूज ना करें, बहुत देर तक ना करें। अगर आपको ब्राउजिंग करनी है, थोड़े बहुत ऑफिस के वर्क करने हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इन्हें ले सकते हैं। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि आप इनको लेने के बाद गेमिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे और वो जो बड़े बड़े काम है वो सारे कर लेंगे, तो नहीं, कतई इनको लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे लगा के थोड़े एडवांस मिनी पीसी ले लीजिए या फिर डेस्कटॉप ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके बारे में डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, शायद मुझसे कुछ रह गया हो आपको बताने में, तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं वो भी बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा, शेयर करेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ आपके कमेंट के तुरंत बाद, और लोगों के साथ शेयर करेगा ताकि वो इन्हें खरीदने से पहले इनके बारे में सब कुछ जान पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।